एक तरफ जहां अमेरिका ने उतार दिया है F-22 रैप्टर, दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट जो जल्दी अमेरिका निकालता नहीं है। F-22 रैप्टर जिसे काल माना जाता है सेना के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा निर्णय है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का राफेल फंस गया है। अब भारत और फ्रांस क्या करेंगे, वो भी ऐसे समय में जब चीन और भारत का युद्ध होने की आशंका है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब ट्रंप थे अमेरिका की सत्ता में, तब जो निर्णय लिए गए थे वो निर्णय इतने बिखराव वाले नहीं थे। ट्रंप ने ऐसे अलग अलग डिसीजन लिए, ऐसे निर्णय लिए जिनसे एक बार को लगा ही नहीं कि ये पुराना वाला अमेरिका है, लेकिन हाँ उनके निर्णय बिल्कुल सही दिशा में जा रहे थे। ट्रंप भले चाहे कभी कभार ऊटपटांग हरकतें करते हो, लेकिन उनके डिसीजन काफी सही दिशा में जा रहे थे। जैसे कि यूएई को लेकर ट्रंप ने ये फैसला किया था कि वो हथियारों का एक बड़ा कंसाइनमेंट देगा यूएई को, जिनमें F-35 विमान भी थे शामिल। F-35 विमान के लिए बिल्कुल डील साइन होने वाली थी, और ये डील यूएई के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। इसलिए महत्वपूर्ण थी कि एक तो अमेरिका मिडल ईस्ट में इसके जरिए घुस रहा था, अपनी पैठ मजबूत कर रहा था और चीन को बाहर कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ F-35 डील के जरिए यूएई को मजबूत भी कर रहा था। यूएई के दुश्मन कौन है, यूएई के दुश्मन है हूती विद्रोही। पर इन सब के बीच बाइडेन आ गए, और जैसे ही बाइडेन आए, बाइडेन ने सबसे पहले तो ये कह दिया कि हम जो सौदा यूएई के साथ कर रहे हैं उसे फिलहाल के लिए होल्ड पे डाल दो। हालांकि अमेरिका ने जो तर्क दिया था वो भी बिल्कुल सही दिया था। यूएई के दरअसल एक पोर्ट पर गुप्त तरीके से चीन बना रहा था बेस, और जब अमेरिका ने इस बेस को लेकर यूएई को शिकायत किया तो यूएई ने ये कहा कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस तरह का कुछ बेस बन रहा है, और तत्काल ही चीन को मना कर दिया कि आप यहाँ पर अभी कोई कंस्ट्रक्शन कोई काम नहीं करोगे। चीन ने वहाँ पर ताला लगा दिया, पर इतना जरूर हो गया कि यूएई दबाव में आ गया। चीन चुपचाप ताला लगा कर घर में बैठने वाला शख्स तो है नहीं। चीन ने दबाव बनाना शुरू किया यूएई के ऊपर कि आप अमेरिका के ऊपर निर्भर हो रहे हो, और यूएई को भी ऐसा लगने लगा कि इन सब के बीच F-35 की डील तो अभी ब्लॉक हो गई है। अमेरिका ने ये तर्क दिया कि F-35 अगर हम आपके देश में भेजते हैं, आपको तो पता भी नहीं है कि आपके देश में चीन बेस बना रहा है, तो हमारे F-35 के तो कल पुर्जे खोल खोल कर अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी चुराएगा चीन। ऐसे में हम ऐसा करते हैं कि F-35 विमानों के साथ साथ आपको दे देते हैं अपने पायलट, अपने मेंटेनेंस स्टाफ। जिस पर यूएई ने कहा कि नहीं, ये तो संभव नहीं है, जिसके बाद यूएई ने अमेरिका को छोड़कर फ्रांस के साथ डील कर ली राफेल विमानों की। फ्रांस के साथ जैसे ही राफेल विमानों की डील हुई, वैसे ही अमेरिका के तेवर भी ढीले पड़ने लगे, और अब अमेरिका को ये लगने लगा कि यहाँ तो बहुत आसानी से दूसरे देश बाजी मार ले रहे हैं, और चीन का भी प्रभाव बढ़ रहा है क्योंकि यूएई और चीन अपने व्यापार को लेकर और आगे बढ़ रहे हैं। तब जाके होश आया बाइडेन को, और इन सब के बीच यूएई पर हूती विद्रोहियों ने कर दिया तगड़ा वाला हमला, जिसके बाद अब अमेरिका ने बड़ा निर्णय लिया है, और इस निर्णय को ऐसे देखा जा रहा है कि यूएई के साथ रिश्तों को मजबूत करेगा, क्योंकि यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों का हमला झेल रहे यूएई को बचाने के लिए अमेरिका आगे आया है। और अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वो अपने सबसे खतरनाक समझे जाने वाले F-22 फाइटर जेट और एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को यूएई के आसपास तैनात करेगा। वहीं अमेरिका का जंगी जहाज यूएसएस कोल खाड़ी देश के आसपास समुद्र में गश्त लगाएगा। अमेरिका ने संदेश भेजा है, एक मित्र की संकट के समय दूसरे मित्र की मदद है ये। को बता दें, इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना सेंट्रल कमांड के कमांडर केनेथ एम मैकेंजी इस वक्त यूएई के दौरे पर हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो ड्रोन से हमले करता है हूती विद्रोही, उसे रोकने के लिए भी इन्होंने कई सिस्टम को तैयार करना शुरू कर दिया है। तो F-22 रैप्टर की बात करें, 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट दुनिया में सबसे एडवांस फाइटर जेट में गिना जाता है। अमेरिका ने अब तक F-22 के 195 यूनिट बनाए हुए हैं, और आप समझिए 187 अमेरिका की वायुसेना में ऑपरेशनल है। यह विमान इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी से लैस है कि इसे अमेरिका ने किसी भी दूसरे देश को नहीं
नहीं बेचा है। ऐसे में ये साफ संदेश है कि यूएई के साथ न सिर्फ अपने रिश्ते को बनाना चाहता है अमेरिका, बल्कि पकड़ भी बनाकर रखना चाहता है मिडिल ईस्ट में। वैसे इन सब चक्करों में फंस गया है भारत का राफेल। भारत ने फ्रांस से राफेल विमानों को खरीदा और राफेल विमानों को इसका फायदा मिलना शुरू हो गया। भारत ने 36 राफेल विमानों का ऑर्डर दिया था 2016 में और 33 मिल चुके हैं, 3 मिलने वाले हैं जो कि अपने रास्ते पर है। पर भारत ने जैसे ही राफेल विमानों को खरीदा वैसे ही दुनिया भर में समझिए तो होड़ मच गई। और ये होड़ ऐसी मची है कि 194 राफेल की डील तो ऐसे ही हाथों हाथ फ्रांस के हाथ लग गई, जैसे कि इजिप्ट, कतर दोनों ही देशों ने, एक ने 30 दूसरे ने 12 यूनिट का ऑर्डर दे दिया और फिर यूएई ने दे दिया बड़ा ऑर्डर। अब कुल मिलाकर समझ लीजिए आप 200 के ऑर्डर ऐसे ही आ गए हैं फ्रांस की झोली में। 200 फाइटर जेट बनाना है और 4-5 साल में यही उम्मीद की जा रही है कि और भी कई बड़े ऑर्डर आने वाले हैं फ्रांस के पास, फ्रांस की जो कंपनी है दसॉल्ट एविएशन के पास। जरा देखिए, जो दसॉल्ट एविएशन है इसकी जो जेट प्रोडक्शन की यूनिट है, ये यूनिट साउथ वेस्टर्न फ्रांस में है और एक साल में 22 फाइटर जेट को बनाती है। लेकिन अब मेन पावर को बढ़ाने के बाद, चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के बाद ये 30 पर ईयर बनाने के डिमांड को मीट करेंगे। अब इसमें जरा देखिए, 200 के ऑर्डर पहले से ही मिले हुए हैं, अब 30 ये विमान बनाएंगे एक साल में, तो फिर कितना लग जाएगा वक्त इन्हें बैकलॉग क्लियर करने में। और भारत इसलिए फंस गया है कि भारत ने जो ऑर्डर दिया था वो तो भारत को मिल गया है, लेकिन भारत को 114 और फाइटर जेट चाहिए और वो भी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए जो हर समय काम आ सके। और भारत को ये चाहिए जल्दी, ऐसा ना हो कि भारत अपने एमका प्रोग्राम पर काम कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 2032 तक भारत का एमका रेडी हो जाएगा। अगर भारत का एमका रेडी हो जाएगा और तब हमें राफेल मिलेगा तो फिर हमारा कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। भारत 25 से 30 बिलियन डॉलर इस प्रोग्राम के लिए खर्च करने वाला है, 114 फाइटर जेट के लिए खर्च करने वाला है। लेकिन समस्या अब ये हो गई है कि भारत अगर राफेल विमानों के लिए जाता है जो इस वक्त सबसे अच्छे माने जा रहे हैं, तो भारत को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे फ्रांस जब पहले भारत को राफेल बेच चुका था तब उसने भारत को बहुत बार कहा कि 114 फाइटर जेट के लिए आप हमें चुनो, लेकिन भारत ने उस वक्त देरी दिखाई। और अब असर ये हो रहा है कि फ्रांस के पास खुद इतने ऑफर आ गए हैं कि फ्रांस अब किसका ऑफर पूरा करे और किसका ऑफर नहीं पूरा करे। भारत का 114 राफेल और खरीदने का अगर प्लान है तो आप समझिए भारत का ये प्लान अटक गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को पहले ही ऑर्डर दे देना चाहिए था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।